ये आपको लगता है दुर्भाग्य देखिए कितनी जिंदगी की बात है। जो व्यक्ति स्पष्टीकरण देना चाहता है अपना उसको तो बाहर निकाल रहे हैं, और जो व्यक्ति जूता निकाले देखा पहली दफा में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ये दिली भगत की निशानी। ठीक है, थैंक यू सर। जूता जूता अभय चौटाला ने भी उतारा था, कार्यवाही सिर्फ आपके खिलाफ होती है, कुछ शब्दों को जिसका मतलब जो समझ में आ रहा है कि पीपीएल कार्ड को लेकर आपने कहा था कि प्रदेश का नाम कलंकित हो रहा है, तो इसमें आपको लगता है कि जानबूझकर आपको टारगेट किया गया जिन्होंने जूता खोला? गरीबों के हक को लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गरीबों के बीपीएल के परिवारों की सुख सुविधाओं को छीन करके उनको इस चीज़ से महरूम किया जा रहा है, वो आवाज़ मैं विधानसभा में उठा रहा था। मंत्री जी ने माना कि 25,00,000 लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, यही मेरा दर्द था, और मैंने जब ये कहा कि आपने हरियाणा को कलंकित किया है जो गरीबों के हक को खा रही है, तो इससे बौखला करके और विपक्ष के जो नेता ओम प्रकाश चौटाला जी जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और मेरे बारे में उनको विशेष दर्द रहता है, क्योंकि चौटाला परिवार के तमाम केसों में सीबीआई का गवाह हूँ और इस तरह की कीड़ भक्ति ये विधानसभाओं में पहले भी देते रहे हैं, हमेशा मैंने इनका मुकाबला किया है, आगे भी इनका मुकाबला करेंगे। मुझे INND या BJP की मेहरबानी से हरियाणा की विधानसभा में मैं नहीं आया हूँ, मुझे मेरे इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने चुन करके 5वीं दफ़ा भेजा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना मैं जानता हूँ, और जो आज गैरकानूनी और नियमों के विरुद्ध जो फैसला इस विधानसभा में हुआ है, इसकी हम चुनौती स्वीकार करते हैं, कानून से और पब्लिक से इसका जवाब देंगे। सर, जो जूता उतारने वाला जो इंसिडेंट हुआ, इस पर विधानसभा में उतारने वाला जो गीदड़ भभकी ओम प्रकाश चौटाला परिवार जो देने की और आदमियों को उनको आदत, जानते नहीं कि मुकाबला किससे है। मैंने चौटाला परिवार का हमेशा मुकाबला किया है और आगे भी इनका मुकाबला करने की तैयारी। आज ओम प्रकाश चौटाला के बेटे को अभय सिंह चौटाला को निकालना चाहिए था विधानसभा में, जो जूता लेकर के चल रहा जो प्रतिपक्ष का नेता है। लेकिन सर, विपक्ष के नेता था कि मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ तो मेरा साथ देता। सर, आपने जूता खोला था क्या? तो मैं और उसके लिए फूलों की माला डालता, तो मतलब दोनों तरफ से हुआ ना? हाँ, दोनों तरफ से ही होगा ना। ऐसे वाहियात लोगों को समझाने की भाषा जो होती है वही समझाई जाएगी ना। लेकिन ये चाहे गोलियां चलाएं चाहे कुछ भी करें, गरीबों के साथ जो इन्होंने जाती हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार और ये जो BJP के साथ मिलकर के जो ये नंगा नाच कर रहे हैं, इनकी गीदड़ भभकियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। ये 1 साल का निकालने वाला गैरकानूनी जो इनका आदेश है, ये अदालत के सामने औंधे मुंह पर पड़ेगा और हम ये पब्लिक के अंदर इनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमने पहले भी लड़ी है विधानसभा में। आज दो विधायकों के बीच आपकी नौकरियों हुई।